घर से अपने खेत पर रखवाली करने गए एक युवक की किसी ने हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिखाई दे रहा है ये नजारा है प्रतला के गाँव शाहपुर कला का, जहाँ पर मृतक चंद्रपाल के परिवार व गाँव की महिलाएं शौक मना रही है। परिजनों की माने तो मृतक चंद्रपाल देर रात घर से खेतों पर रखवाली करने के लिए गया था, लेकिन सुबह उन्हें पता चला कि चंद्रपाल का शव खेतों में पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी बने हुए हैं व उसकी बाइक भी वहीं खड़ी हुई मिली। परिजनों ने पुलिस को सूचित कर मामला दर्ज करवाया है। वो रात खेत पे गया था 10 बजे से कम, तो फसल देखने के लिए, फिर वो आया ही नहीं, बाइक वहीं छोड़ गए। मृतक मिला हमें सुबह। कब पता लगी आप? सुबह 5 बजे। वही थाना सदर SHO हंसराज ने बताया कि उन्होंने सुबह सूचना मिली कि गाँव शाहपुर कला में एक युवक का शव पड़ा है। मृतक चंद्रपाल के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सुबह ट्रैक्टर लेकर अपने खेत जोतने के लिए गया था। उसने ट्रैक्टर की लाइट में किसी को पड़ा हुआ देखा। जब उसके पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए कि जमीन पर मृतक पड़ा हुआ उसका बेटा चंद्रपाल था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह हमारे पास बेटी आई थी कंट्रोल रूम से कि साफुन कला गांव के खेतों में एक गोली पड़ी। उस पर मैं मौके पर गया। जब मैं मौके पर गया तो गाँव के काफी लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ जाके देखा तो एक नौजवान लड़का करीब 22 साल एज, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो उसके फादर ने कंप्लेंट दी है कि भाई रात को 10 बजे ये लड़का खेत में गया था, उसके बाद ये आया नहीं। तो सुबह इसका फादर जब ट्रैक्टर लेके अंधेरे में खेत जोतने के लिए गया तो ट्रैक्टर की लाइट के सामने कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया इसको। इसने पलट के देखा तो देखा अपना इसका बेटा था। सुबह उसके पापा ने उठ के देखा कि घर के पीछे मतलब खेत की जुताई कर रहे हो, जुताई की तो ट्रैक्टर की लाइट में सुबह 5:30 बजे एक बंदा उल्टा पड़ा, तो उसको पलट के देखा तो वो अपना ही लड़का था।